सोचती हूँ कि लोग मेरे बारे में क्या बोलें, लेकिन मैं सबसे पहले अपने, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि हम सबके बारे में सोचें और हमारे बारे में कोई ना सोचे। अभी आए मेरे पहाड़ी लाइफ स्टाइल ब्लॉग आते थे उनमें मैं, क्योंकि हर किसी की माँ बाप की जिम्मेदारी उसी दिन ख़त्म हो जाती है जिस दिन बेटे ससुराल चली जाती है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते, मेरा नाम है अनिता वग्या, स्वागत आपका देव भूमि उत्तराखंड के ऋषिकेश साई से। तो दोस्तों मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही दिन के करीबन 12 बजे से और आज का भी लेट से ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। तो आज के मौसम की बात की जाए तो मौसम भी ठीक ठाक है, मतलब धूप के लिए है, और कभी कभी ना थोड़ा थोड़ा हाई ब्राइट से बादल आ जा रहे हैं आसमान पे, इसलिए थोड़ा बहुत ठंडा भी होने लग गया है। तो साथ में ना ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, और अब क्योंकि मैं आ रखी थी कपड़े सुखाने, जो कि मेरा काम तो बहुत ही ज़्यादा लेट निपटता है क्योंकि बच्चों के साथ ऐसे ही होता है, थोड़ा आपसे को नहलाए मालिश किया, और आज कल ना आपसे ना बिल्कुल सोता नहीं है, बहुत लेट में सोता है। तो अभी बड़ी मुश्किल से अभी सोया है और उसके बाद मैंने कपड़े धुले हैं, और अभी दाल तो मैंने उबाल दी है, बाल की अब तैयारी है भात बनाने की, तो भात बना लेती हूँ फटाफट से, फिर आधा देखा ट्यूशन गया भी हो जाएगा क्योंकि कल तो गई नहीं ट्यूशन, तो आज तो जाना ही पड़ेगा उसे। मैंने लेके जाना है ये भी नीचे, क्योंकि ये मैंने कल धुल दिया था और अभी सूख गया है, तो इसे ना दीवान के ऊपर पीछे, ये मेरा नीचे ना बहुत गंदा हो रहा था, नीचे की तरफ मैंने दूसरा ले लिया है, इसे बिछाऊंगी मैं दीवान के ऊपर, रिश्ता फटता है ना की ले रहे थे ना दीवान पे, तो उस पर ना फट जाता है रिश्ता, तो इसलिए ना इसे डालूंगी मैं उसके ऊपर। तो आज आप लोगों को मतलब आपका सवाल का जवाब मिलने वाला है, मतलब एक क्वेश्चन ना मेरे को मतलब बार बार आ रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों का क्वेश्चन था ये कि आपका वहाँ जाने का सिकेट जाने का सीजन क्या है, तो आप लोगों को बताऊंगी मैं कि क्या है करके। तो फिर आ जाते हैं पहले नीचे, मुझे जा रही है बाल्टी को नीचे चलते हैं फटाफट से, क्योंकि अब से एक ना बारिश होना रहा था, मैंने बरामदे सोचा उठना जाएगा ही यहाँ से सीढ़ियों से नीचे ना जाए। खोल तो मैंने परसों ले लिया था लेकिन इस पर चढ़ाया नहीं था, और अभी चढ़ाया मेरे आदू ने, तब तक ना आफत कर दी, पूरे कपड़े वहाँ पे रख दिए, मुश्किल से तो मैं उठा पाई थी इसको देखो, क्योंकि ये ना बहुत ही ज़्यादा भारी होता है, इस पर ना खोल चढ़ाने में भी ना भारी दिक्कत होती है। तो चलिए जी रखती हूँ उसे, इसको पहले बिछाती हूँ पहले पूरा, क्योंकि अब से उठेगा तो उसके बाद ना कुछ नहीं करने देता फिर मेरे आपसे। निपटा दिया मैंने, अब रह गई मैं दाल बनाने के लिए छौंकने के लिए, और उसके बाद चावल चढ़ाती हूँ, प्याज टमाटर काट लेती हूँ फटाफट से, क्योंकि यहाँ से ना अब से कब देख रही हूँ अब से ना उठे कहीं, तो क्योंकि ना यहाँ पे ना कबूतर आ रहे हैं, तो कबूतर कहीं कुछ डाले ना ऊपर से, वैसे तो कुछ नहीं पड़ने वाला, तो फिर भी ना डर लगी रहती है। चलिए जी खाना पीना तो बन गया, आपसे एक भी उठ गया, आप खाना पीना खाते हैं हम, और उसके बाद करते हैं वीडियो की एडिटिंग भी, और जो आपका सवाल है उसका जवाब भी देते हैं। ये देखो इन दोनों भाई बहनों का शोर शराबा ना। चले जी अभी आ गए हम छत में, और जो आपका सवाल था मतलब काफ़ी लोगों का सवाल था ये कि आप की ऋषिकेश जाने की वजह क्या है, तो इसकी वजह ना काफ़ी बहुत लंबी है, तो मैं आप लोगों को मतलब एकदम भी नहीं बता सकती हूँ अभी की क्या वजह है करके, क्योंकि होता है ना कोई मतलब हर किसी के यहाँ भी नहीं होता है, कोई कोई होता होगा ऐसा, कोई समझने वाला तो समझ लेगा, बात बाकी मतलब सीधे साफ साफ नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि इसमें मतलब ठीक नहीं है बोलना ये करके है, तो कुछ लोग मतलब अच्छे भी जुड़े रहते हैं हमारे साथ और कुछ लोग गंदे भी जुड़े रहते हैं, तो मैं ये नहीं बोलती हूँ सब गंदे बुरे ही लोग हैं या सब अच्छे ही लोग हैं, तो कुछ कुछ होते हैं ऐसे जो मतलब कोई कोई मतलब एक बात की चार बातें बना देता है,
तो ऐसे ही करके सेम करके है, क्योंकि अभी तो मेरे बच्चे भी पढ़ाई लायक नहीं हुए थे, लेकिन आराध्य तो हो गई है थोड़ा बहुत, लेकिन अभी तो मैंने वैसे भी नहीं आना था, तो कोई बोला था अभी नहीं जाना चाहिए था क्योंकि तुम्हारे ननद की शादी है करके। ननद की शादी तो अभी नहीं है, ननद की शादी तो वो या देवर की शादी करनी तो हमने ही है, चाहे हम यहाँ रहिए या वहाँ रहिए, शादी तो हमने ही करनी है, तो इसका तो कोई ये नहीं है कि आप अभी क्यों गए ये करके सो करके, कुछ नहीं है, क्योंकि करना तो हमने ही है, चाहे हम घर भी रहते तो हमने ही करना था, हम यहाँ भी आ रखे तो हमने ही करना, हमने ही है। तो होता है ना लोग ना, मतलब एक बात की चार बात बना देते हैं, ऐसे भी कई लोग होते हैं और बुरे भले सब होते हैं, तो ये करके हैं। और खर्चा हो या कोई भी चीज़ें हैं, करना तो हम ही को पड़ेगा, क्योंकि जिम्मेदारी इतनी है कि क्या ही बोलें। तो हम समझते हैं जिम्मेदारी, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कर कर के भी बोलते हैं, नहीं करते हैं कुछ, तो सोचने मतलब हम ना, वैसे मैं अपनी बात करूँ ना, मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ घर घर के बारे में हो या अपने पतिदेव के बारे में, मतलब बहुत सारा टेंशन रहता है मन में दिल में, यह करके है। सोचती तो बहुत हूँ, लेकिन क्या करें, सोचने से क्या फ़ायदा होता है जब कोई मतलब साइड ही ना ले, ऐसे करके भी होता है। और मेरे पति ना बहुत ज़्यादा समझदार है, और मतलब मैं उन पे ना गर्व करती हूँ कि मतलब वो इतने मतलब है कि देखो परिवार को भी चलाते हैं, फिर ऊपर से घर की जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी, मतलब होता है कोई ना कोई ऐसा नेगेटिव कमेंट करने वाला भी होता होगा, कोई ऐसा जो मुझे नेगेटिव कमेंट करके बोलो तुम्हारा ये पति नहीं है, क्योंकि पिछली बार जो मैंने वीडियो बनाई थी ना, एक हो गए उसे एक साल की, किसी ने बोला था मेरे को तेरा ही पति नहीं है, वह जो जिम्मेदारी उठाता है, तेरे को पालता है, सब पालते हैं, मैंने ये नहीं बोला कि कोई नहीं पालते, सब पालते हैं अपनी बीबी को भी, लेकिन समझदारी की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि इतने ज़्यादा है ना क्या ये बोलें, मतलब वो सोचते हैं सबके बारे में सोचते हैं, एक ही के बारे में नहीं सोचते हैं, क्योंकि अगर आपके घर में भी ऐसा होगा कोई कि आप आपके पति आपके बारे में सोच रहे होंगे और आप ना मतलब कुछ और ही कर रही होंगी, ऐसे भी करके भी बहुत सारे होते हैं, क्योंकि कुछ इसी वजह से ना मतलब काफ़ी सारे घर ये हो जाते हैं कि क्या ही बोलें। तो ननद की शादी भी होगी, ननद की शादी तो अब तभी करेंगे जब पतिदेव आएंगे, एक डेढ़ दो साल में तभी होगी। तो फिलहाल बस इतनी ही बात थी, तो वैसे मैं आप लोगों के मतलब एक Q&A ब्लॉग बनाऊंगी, सबके कमेंट के मतलब सबके सवाल के जवाब होंगे उसमें, तो अभी क्योंकि उतना टाइम नहीं हो पाता है, तो क्योंकि बच्चों के साथ वैसे तो घर से टाइम मिल ही जाता है यहाँ, लेकिन बच्चे हैं मीन, क्योंकि यहाँ ना ऐसा डर है कि कहीं गिर ना जाए बस, क्योंकि आज तक मतलब जो भी आए मेरे पहाड़ी लाइफ स्टाइल ब्लॉग आते थे, उनमें मैं काम भी करती थी, घर का काम भी करती थी और सारी जिम्मेदारी भी निभाती थी अच्छे से, लेकिन क्या करें अब यहाँ आ गई हूँ, तो बच्चों की भी देखनी पड़ेगी अपने, क्योंकि बच्चों की भी भविष्य की बात है, तो बच्चों का भविष्य भी सोचना पड़ता है, तो ये करके हैं। वैसे तो अभी नहीं आना था, लेकिन कोई बात नहीं, आ भी गए तो वो भी सब ऊपर वाले की देन है कि कब आना है कब जाना है, ये भी नसीब का दिया हुआ होता है, और नसीब जहाँ का होता है इंसान वहीं जाता है वहीं पे खाता है, हमारा नसीब भी आ गया होगा कि हमने यहीं खाना है, तो हो ही करके होता है, सब सब तकदीर की बात है, जो लिखा होगा होने को हो ही होगा, सिर्फ मतलब ऐसा होता है कि मैं इस वजह से आई उस वजह से आई ये करके होता है, मन में थोड़ा अजीब सा तो लगता ही है, लेकिन जो नसीब का होता है ना वही, मेरे पति बोलते हैं ना भगवान तेरा शुक्र है, मेरे पति जब कुछ भी बोले ना कि मैं बोलूँ ना टेंशन हो रहा ये सो हो रहा, फिर बोलते हैं पतिदेव ऐसा बोलो कि भगवान तेरा शुक्र है तूने इतना भी दे दिया, ऐसे करके और भगवान का शुक्र करो, तो अब मैं भी वही बोलती हूँ भगवान का शुक्र है जो तूने मुझे दे दिया, हो ही काफ़ी है बस, अब मैं यहाँ तक आ गई हूँ, बस ये है कि मेरे पतिदेव की जॉब भी अच्छी रहनी चाहिए, और सबसे पहले जॉब नहीं होती, सबसे पहले जो होती है वो है मतलब इंसान की हमेशा ठीक रहना चाहिए होना चाहिए, और पैसा भी तभी है, तभी तभी है जब इंसान की केयर है और इंसान मतलब उसकी तबीयत तुबियत सब कुछ ठीक होना चाहिए बस, और
मतलब मुझे ऐसा नहीं है कि मैं अब आ गई हूँ, ये तो मैं बिल्कुल नहीं सोचती हूँ अब मैं कैसे आई है करके। जैसे बहुत सारे बोलते हैं ना कि शहर में ये पता चलता है वो पता चलता है, ऐसे तो गांव में भी ऐसे ही होता है, मतलब पूरा खान पान दुकान का ही खाते हैं हमारे यहाँ ना। मैं अपने घर की बात कर रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं है होते हैं इतने, मतलब हम कि हम ऐसे बोले कि घर में ये होता है सो होता है, सिर्फ वो ही होता है चौमास के टाइम में होता है जो भी हुआ कद्दू सब्जी वगैरह करके, और टाइम फिर ना और टोटल दुकान का ही खाते थे। तो इस वजह से यहाँ तो मतलब यही होता है कि घर में तो वैसे भी चल जाता है लेकिन यहाँ नहीं चलता है, सिर्फ फर्क सिर्फ इतना ही है क्योंकि यहाँ ना सब्जी मतलब चाहिए चाहिए सुबह शाम, घर में तो ऐसे ही चल जाता था, ऐसे करके होता है खर्चा पूरा उतना ही होता हमारे घर में भी। और मैं जब तक बात करूँ कि यहाँ की भी, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अभी हो नहीं है, लेकिन मैं आने की सोच मेरी अभी बिल्कुल नहीं थी कि मैं शहर जाऊँ, क्योंकि नहीं थी मेरी सोच ना कि मैं शहर जाऊँ, मेरे पति मुझे ये करे सो करे। मैंने ना आज तक ना मैं अपने दिल से सोचती हूँ कि मैं मेरे पति को कहीं ऐसा ना लगे कि मेरी वाइफ मेरे बारे में सोचती नहीं है, या उन्हें ये ना लगे कि वो अपना आप मतलब मेरे को ये करती। मैं ना अपने पति को बिल्कुल भी ज़्यादा वो नहीं देना चाहती हूँ, टेंशन नहीं देना चाहती हूँ कि वो कुछ सोचे मेरे बारे में, मतलब मेरे बारे में कुछ गलत सोचे। मैं ये नहीं देना चाहती हूँ उन्हें कि वो कभी गलत सोचे, क्योंकि मैं गलत होना ही नहीं चाहती हूँ, ना ही मैं मतलब जो सच बात है मैं उसे ही बोलती हूँ, चाहे हो किसी ने मेरे लिए झूठ बोला हो या कुछ बोला हो मैं उसे ही बोलूँगी कि इसने मेरे लिए ऐसा बोला। मैं कभी ना बात ना मैं पलट के नहीं बोलूँगी कि नहीं नहीं मैंने भी बोला होगा, वो भी मैं साफ बोलूँगी कि हाँ मैंने ऐसा बोला है, उस बात पे भी मैं बोलूँगी, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूँगी कभी कि हाँ मैंने नहीं बोला ये करके। एक बात है मैं लोगों की नहीं सोचती हूँ कि लोग मेरे बारे में क्या बोलें, लेकिन मैं सबसे पहले अपने पति की सोचती हूँ कि वो क्या बोलेंगे, और अपने माँ बाप की सोचती हूँ कि मेरे माँ बाप क्या बोलेंगे, सिर्फ इतना सोचती हूँ, बाद बाकी मैं किसी के बारे में नहीं सोचती हूँ कि क्या कोई क्या क्या बोलेगा मेरे उनके, और अपने पतिदेव के सोचती हूँ कि मेरे पति सबसे पहले तो यही आता है कि पति क्या बोले, क्योंकि माँ बाप ने तो बड़ा करके शादी कर दिया है तो उनकी जिम्मेदारी तो उनकी क्योंकि हर किसी की माँ बाप की जिम्मेदारी उसी दिन ख़त्म हो जाती है जिस दिन बेटी ससुराल चली जाती है, तो उन उसके बाद मीन आता है उसका पति जो कि जिम्मेदारी लेने वाला होता है। तो सबसे पहले मैं अपने पति के बारे में सोचती हूँ, क्योंकि कोई भी बोलता है क्या वजह है क्या है करके, क्योंकि मैं आप लोगों को साफ साफ नहीं बोल सकती क्योंकि मैं सबसे पहले ना अपने पति को मतलब ये जाता है मेरे पति को कहीं बुरा ना लगे, ये कि ऐसा नहीं होता है कि हम सब के बारे में सोचें और हमारे बारे में कोई ना सोचे, क्योंकि अगर हम सोचते हैं तो दूसरे को भी सोचना पड़ता है, ये करके होना चाहिए, क्योंकि अगर हम सोचे तो एक ही तरफ सोच हो तो घर का भी मतलब बनता नहीं है, सोचना दोनों तरफ होनी चाहिए, ये करके हैं। तो चलिए दोस्तों आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद करते हैं आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, ब्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मैं अनीता बघेल मिलती हूँ आपको अपने अगले नए ब्लॉग के साथ, और तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।